वेस्ट इंडियन डेयरी वीचना में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज इंडिया में कौन से अवेलेबल है। प्लीज इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इनमें से कौन से मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज आपको पसंद आती है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर फाइव पर हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। एक कंपनी की शुरुआत 1992 में शुरुआत हुई थी और इनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है और ये मिल्क कर्ड, आइसक्रीम, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, डेयरी वाइटनर, स्कीम्ड मिल्क पाउडर बनाते हैं। आप इनमें से कौन से कंपनी का दूध या मिल्क घर में यूज करते वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर फोर पर हस्टन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एक कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और इनकी शुरुआत 1970s में हुई थी और इनके फाउंडर आर जी चंद्र राघवन है और इनका लगभग 3.2 लाख फार्मर से डेली मिल्क कलेक्ट करते हैं। आपको इनमें से कौन सी कंपनी पसंद आती है या इसमें से कौन से कंपनी को टॉप नंबर वन मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी मानते हो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नंबर थ्री पर पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत 1992 में शुरुआत हुई थी और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये एक लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क कलेक्टिंग कंपनी महाराष्ट्र में है और इनके टी ओन ब्रांड है जैसे कि गोवर्धन, गो, प्राइड ऑफ काउज एंड टॉप ऑफ। आपको इनमें से कौन से कंपनी टॉप नंबर वन मानते हैं वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर टू पर मदर डेयरी। ये कंपनी की पेरेंट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मदर डेयरी की है। इनका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है और ये 1974 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, योगर्ट, आइसक्रीम भी बनाते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नंबर वन पर अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अमूल अमूल का लॉन्ग फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में स्थित है और 1946 में इनकी शुरुआत हुई थी और ये ब्रांड का टर्नओवर लगभग 5.1 बिलियन डॉलर के ऊपर है और ये इंडिया के डेयरी रिवॉल्यूशन में इन्होंने की रोल प्ले किया था। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।